हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। ये एनसीईआरटी का 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें क्या है, इसका पावर जो है एक्स क्यूब और यहाँ पावर है एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा पहले। तो डिवाइड करने के लिए या तो आप लॉन्ग डिवीजन करो, या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से हम यहाँ फैक्टराइज करते हैं लॉन्ग डिवीजन में, तो हमारा क्या आएगा, हमको एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें कॉमन बनाना है। तो देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, हम एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपान ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखो यहाँ पे एक्स यहाँ हम कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा ना, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए हमको। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स से यहाँ पे इंटू करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे देख लो एक्स है माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है दिया आपको, प्लस एक्स दिया है। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दो, एक स्टेप यहाँ भी बता रहा हूँ, एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ पे एक पावर इसका कम कर लो, क्योंकि हमको सॉरी एक 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 पावर कम करें, हमको लाना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स से इंटू करोगे क्या हुआ माइनस एक्स। अब इसमें से एक्स हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो एक्स क्यूब माइनस वन आ जाएगा ना, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये प्लस एक्स था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस क्या चाहिए, टू एक्स चाहिए, क्या चाहिए, प्लस टू एक्स और प्लस क्या चाहिए वन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस टू एक्स प्लस वन बनेगा। तो यहाँ से ये अलग अलग फिर दोनों डिफाइन हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये से क्या हुआ, ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन जाएगा फाइनली। अब इसको समझना है, यदि इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ देखो, यहाँ एक्स क्यूब है प्लस एक्स है प्लस वन है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो ये इससे डिवाइड होगा तो कितना होगा, ये एक्स आएगा, एक्स से यहाँ इंटू करोगे क्या होगा एक्स क्यूब और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स, साइन चेंज हो गया, ये कट गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया तुम्हारा टू एक्स प्लस वन। डिग्री इससे क्या हो गई, जब यहाँ डिग्री टू है यहाँ डिग्री वन हो गई, तो ये अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये डिवाइड ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर बाई ये आएगा यहाँ पे, और ये क्या कुछ वही चीज़ आ रहा है ना, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम ऐसे जैसे शॉर्टकट में हम किए थे वैसे भी हम कर सकते हैं, और आपने नहीं तो आपने लॉन्ग डिवीजन कर लिया, रब पे लॉन्ग डिवीजन करके और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वैसे। तो ये चीज क्या बन गई, ये बन गई यहाँ पे x प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब फिर से इसका हमको पार्शियल करना पड़ेगा, टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें हम क्या करेंगे, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब ये यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वन इक्वल टू ए इंटू, इसका इंटू यहाँ होगा x प्लस वन प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आएगा, यहाँ से क्या आएगा बी एक्स आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी आएगा यहाँ पे, यहाँ x आ जाएगा प्लस a से इसमें इंटू होगा तो a आएगा, अब b से यहाँ तो माइनस बी, ये आ गया यहाँ पे 2x प्लस वन। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे x का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म, यहाँ लिख देंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म,
तो ये बन जाएगा यहां पे a प्लस बी, यहां लिख देता हूं तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि x का कोफिशियंट यहां पे 2 है, और यहां से क्या आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो ये ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो गया, तो यहां आ जाएगा 2a, 2a इक्वल टू 3 हो गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 3/2। तो a की वैल्यू 3/2 आ गई, तो a प्लस बी 2 है, तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहां आ गई 3/2, और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि a प्लस बी आपका 2 दिया हुआ है, ये आ गया यहां पे। अब हमको क्या करना है, अब ये जो पूरा पार्ट था, ये जो पूरा पार्ट था, ये इतने पार्ट में डिवाइड हो गया a अपॉन b अपॉन। अब जो इंटीग्रेशन ये बनेगा, ये इंटीग्रेशन जो था आपका x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या बन जाएगा, देखो ये था आपका, यहां पे हमने x प्लस किया था, और इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, a अपॉन और b अपॉन, a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। तो पहले क्या बनेगा इंटीग्रेशन, x dx बनेगा, ये वाला पार्ट, इसमें दो पार्ट हुआ a अपॉन, a की वैल्यू कितनी है, ये 3/2, तो प्लस आ रहा है 3/2, इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, फिर आएगा यहाँ पे प्लस दिया है 1/2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 3/2, और ये आ जाएगा log mod x माइनस 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस हो गया c। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना हो तो कर भी सकते हैं, इसको कर सकते हैं, 3 यहाँ आ जाएगा, 1/2 इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 आ गया log, यहाँ कॉमन ले लो, ये log हो गया, ये आपका x mod x माइनस 1 का क्यूब, और प्लस हो जाएगा log यहाँ पे x प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। आंसर जैसे भी मान लो यहाँ आंसर छोड़ा, तो यहाँ कर सकते हो, ये सिंप्लीफाई करना हो कर सकते हो, 1/2, और ये हो जाएगा log, ये आपका क्या है इनटू है ना, यहाँ प्लस है, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 का क्यूब और x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ऐसे भी आंसर हो सकता है, चाहे ऐसे भी आंसर हो सकता है, जैसे भी आंसर दिया है उस तरह हम आंसर कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।